एक लाइन से शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का, और वो लाइन है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। याद रखिए, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। क्या लाइन है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है, जिस पर ये जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास रचा है। अगर आप पे कोई हंस रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप इतिहास रचने वाले हैं। अगर कोई नहीं हंस रहा है तो ज़बरदस्ती हंसा लो उसे, कि बोलो मेरे पे हंस ले भाई थोड़ा सा, ऐसा मेहनत करो, ऐसा पागलपन से पढ़ाई करो कि लोग हंसने लगे। और लोग जब हंसेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप कोई इतिहास रचने वाले हैं। तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्ज़ाम्स। और हमारा विज़न है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्ज़ाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। और उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस, उसके बारे में। स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीडियो में हुआ है उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। आई होप चैप्टर का नाम आपको याद हो, एनालिसिस। ओके, ये है हमारा चैप्टर, और इसमें दो पार्ट हैं। अगर आपको याद हो दो पार्ट क्या क्या थे हमारे चैप्टर के, दो प्रमुख भाग शायद आपको पता हो, नहीं पता है हम बता देते हैं भाई। लास्ट वीडियो आपने देखी है या नहीं, या फिर देखी भी होगी तो बहुत दिन हो गया होगा। सो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू कि भाई देर क्यों हो गया। ये नहीं, ओके। तो उसमें दो पार्ट है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, और एक है टेक्निकल। और जिसमें से हमने क्या पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस, और उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा दो चीज़, एक चीज़ अभी तक पढ़ा है, और उस चीज़ का नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मेथड। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें तीन मॉडल है, अब उनके नाम क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले मॉडल की बात करें तो पहला है नो ग्रोथ मॉडल। बेसिकली डिविडेंड डिस्काउंट मेथड में हम क्या करते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मेथड में पहला और फॉरमोस्ट चीज़ कि हम फेयर वैल्यू निकालते हैं। हम कोई भी सिक्योरिटी का फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, और उस फेयर वैल्यू को निकालने के लिए तीन मॉडल हैं। एक है नो ग्रोथ मॉडल, और इसका फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद हो, D1/KE। दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब इसका क्या फॉर्मूला था, D1/KE-GC। वैसे ही थर्ड था मल्टीपल ग्रोथ मॉडल, और इसका फॉर्मूला था BE1 और KE-GC। नो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। तो हमने अभी क्या पढ़ा, सिक्योरिटी एनालिसिस। पहले हमने सिक्योरिटी के बारे में जाना कि सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, फिर उसके एनालिसिस के ऊपर जब हम आए तो हमारे चैप्टर में दो पार्ट है,
और लर्निंग आउटकम्स में अगर आप देखें तो देखिए दो चीज़ें हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। उसमें से अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। उसमें दो तीन चीज़ें हम सीखेंगे जिसमें से क्या आउटकम क्या निकलेगा कि हम बाई होल्ड और सेल करना सीखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसके बाद थोड़ा डिटेल में जब जाएंगे तो हमें फेयर वैल्यू निकालना सिखाया जाता है। फेयर वैल्यू का क्या मतलब है? फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिससे हम अपना डिसीजंस ले सकते हैं। और इसको कैसे निकाला जाता है, इसको इंट्रेंसिक वैल्यू भी बोला जाता है। इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर डिविडेंड्स को लाते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, एट अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। एक डिस्काउंट रेट पे हम लोग फ्यूचर के होने वाले डिविडेंड्स को डिस्काउंट करके एक प्रेजेंट वैल्यू बताते हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि जो आने वाला पैसा है उसकी आज की कीमत क्या होगी, ठीक है। उस कीमत से अगर शेयर मार्केट में ज़्यादा का बिक रहा है, कम का बिक रहा है, अगर ज़्यादा बिक रहा होगा, जो हमने सपोज़ करो मेरी फेयर वैल्यू 100 आई और मार्केट में शेयर प्राइस 120 है, तो क्या मैं खरीदूंगा? आंसर इज़ नो, बिकॉज फेयर वैल्यू से वो ज़्यादा ओवर प्राइज्ड बोलेंगे। फिर उसे अगर 100 है तो खरीद सकते हैं, 100 से कम है तो डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए, ठीक है। और 100 से ज़्यादा है तो हम उसको अपना सेल आउट भी कर सकते हैं अगर मैं रखा हुआ हूँ। अगर 100 से कम है तो होल्ड करके रख सकते हैं कि उसकी वैल्यू आएगी, इट इज़ अप टू दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट। तो हम अपनी सिक्योरिटीज़ को ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी बेसिस पे हम अपना होल्ड डिसीजन ले लेंगे? आंसर इज़ नो, अ बिग नो। मैं सिर्फ इसके दम पे अपना पूरा डिसीजन ले लूँ? आंसर इज़ नो, और ये हम नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आता है कुछ और एनालिसिस, और उस एनालिसिस का क्या नाम है? अब इसके बाद आएंगे तीन एनालिसिस स्पेसिफिकली। हमारे सिलेबस में तीन दिए हुए हैं, वैसे तो और एनालिसिस होते हैं, लेकिन जो तीन मेजर एनालिसिस है हमारे सिक्योरिटीज़ के बारे में, मतलब सिक्योरिटीज़ को लेके, वो दिए हुए हैं। तो उसमें से पहला आज हम पढ़ेंगे, क्या है वो पहला? पहला है इकोनॉमिक एनालिसिस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक एनालिसिस, पहली बात कि ये कर क्यों रहे हैं हम? इकोनॉमिक एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमने कोई फेयर वैल्यू निकाली है तो क्या उस फेयर वैल्यू के दम पे ही हम सारा डिसीजन दे देंगे, अपना शेयर को होल्ड करना है, सेल करना है, क्या करना है? तो हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है कि सिर्फ हम उसके दम पे ही अपना डिसीजन नहीं ले सकते, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन वेदर वी शुड परचेज द पर्टिकुलर शेयर, होल्ड और सेल। तो एक इकोनॉमिक्स जो होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली द इकोनॉमी और समथिंग इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारा इकोनॉमी जो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है विद इन इट्स ऑपरेशन। और किसी एक कंपनी की बात करें तो उस कंपनी का किसी एक कंपनी का इकोनॉमिक एनालिसिस आपको अगर करना पड़े तो आप क्या देखोगे, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक एनालिसिस को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इकोनॉमिक एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम यूज ऑफ द स्केयर्स रिसोर्सेज। एक ऐसा टूल है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं क्या एक सिस्टमेटिक अप्रोच ये है कि कैसे हम स्केयर्स रिसोर्सेज को, जो इस रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उसको हम यूटिलाइज कर पाए। अगर सिंपली बात की जाए तो इकोनॉमिक एनालिसिस इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। एकदम सिंपल शुद्ध देसी भाषा में बोलो कि किसी भी चीज़ का इकोनॉमिक एस्पेक्ट चेक करना है तो उसको इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस कहा जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट में क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं उसको भी, इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमी दो पार्ट में बटी हुई है अगर आपको याद हो सीपीटी की कुछ बातें, तो एक होता है माइक्रो इकोनॉमी और एक होता है मैक्रो।
माइक्रो मैंने बोला जैसे मतलब बोलने का ही मतलब बड़ा, माइक्रो जो छोटे लेवल पे काम होता है, छोटे बिजनेसेस ये सारी चीज़ें, तो वो माइक्रो होती है। और एक माइक्रो हो गया वो बड़ी, बड़े लेवल पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, बड़े लेवल की जो चीज़ें होती हैं उनको माइक्रो कहा जाता है। अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब बड़ा, इकोनॉमी के दो पार्ट होते हैं। आई होप समझ में आ गया आपको। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, फॉर एन एग्जांपल, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी से आप क्या समझते हो? हमारे देश की इकॉनमी पिछले सालों से हिस्ट्री में अगर जाके देखें कि कैसी चल रही है, क्या डैमेज रही है या फिर अच्छा काम कर रही है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेशन इन द फ्यूचर। अगर आप देखा जाए तो हमारी इकॉनमी पहले बहुत बुरी थी, प्रेजेंट में ठीक ठाक चल रही है, फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहेगा, नंबर वन इकॉनमी रहेगी या नहीं रहेगी ग्रोथ के हिसाब से। आई एम टॉकिंग अबाउट द GDP। जैसे कि हमारे देश की अभी GDP वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP है, वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है हम लोग, जस्ट चाइना से थोड़ा सा आगे है, और होना भी चाहिए, अभी तक उतना डेवलप्ड हुआ ही नहीं है। और जो लोग, जो कंट्रीज डेवलप्ड हो गई हैं तो उनका तो वो एस्पेक्ट है। तो हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं। हम माइक्रो इकोनॉमी को ध्यान में रख के एनालाइज कर रहे हैं, जैसा कि हमारा इंस्टीट्यूट बोल रहा है, जैसा हमारा इंस्टीट्यूट अभी तक लिखा है। उसने एग्जांपल दिया हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है, इन द पास्ट प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेशन इन द ग्रुप फ्यूचर, मतलब हमारी इकोनॉमी की आगे पीछे की क्या हालत रहेगी या रहने वाली है। ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी इन द फ्यूचर। जैसे अभी आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा होगा, तो एक पर्टिकुलर कंपनी एक पर्टिकुलर सेक्टर में होती है, उस सेक्टर का क्या ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि आज डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है वो एक डिलीवरी का सेक्टर है, FMCG मतलब फूड्स को जो डिलीवरी कर रहे हैं अभी, जैसे ग्रॉसरी हो गया, अभी अमेज़न का पेंट्री है, फ्लिपकार्ट का भी है, शॉपकार्ट ऐसे बोल के, तो वहाँ पे ग्रोथ है या नहीं, सपोज़ करो वो एक सेक्टर है। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि गूगल पे है, अमेज़न पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम तो हम यूज़ करते नहीं बट ठीक है वो भी है, सबसे ज़्यादा वही है। तो कहने मतलब वो सेक्टर में ग्रोथ है तो वो उसको भी देखा जाता है, विद द साइन ऑफ स्टेग्नेशन एंड ग्रेडेशन एट प्रेजेंट टू बी एसेस्ड व्हेन एनालाइजिंग द ओवरऑल इकॉनमी। आज कैसा रहेगा और आने वाले कल में कैसा रहेगा, दो चीज़ें आपको देखने को मिली यहाँ पे, एक डिफरेंट सेक्टर की बात हो रही है और एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी। आज हमारा माइक्रो इकोनॉमी में देखा जाए तो हमारी इकॉनमी आज कैसी है, कैसी थी और कैसी रहेगी, और पर्टिकुलर सेक्टर में कैसा रहेगा। देखो मेरा, हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही, फिर भी रिलायंस का शेयर तो नीचे जा रहा है ना, अनिल अंबानी जी के कंपनी का, तो उन पर्टिकुलर सेक्टर में कैसा ग्रोथ है। अभी कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत नीचे जा रही है तो उसमें कैसा ग्रोथ है, वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पूरी इकॉनमी बड़े अच्छे से ग्रो कर रही है, चल रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, समझ लो, तो लोगों की स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, तो कार मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्शन डाउन कर रहे हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग अभी लोग अपना पैसा ज़्यादा नहीं लगा रहे, हाउसिंग वालों को दिक्कत हो रही है, लोग घर ज़्यादा नहीं खरीद रहे, तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। ग्रोथ तो है लेकिन क्या एक पर्टिकुलर, मतलब डीप डाउन जाना इसे कहें अगर एनालिसिस के टर्म में, कि एक बड़ी पिक्चर हमने देखी, अब उसके अंदर एक छोटी पिक्चर है दैट इज़ सेक्टर, उसकी भी ग्रोथ हम लोग देखेंगे कैसी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे है जो कि है ये, ट्रेंड्स इन पीपल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री कंपनी इन द फ्यूचर। क्या लाइन लिखी हुई है ना, ट्रेंड इन पीपल्स इनकम, लोगों का कमाई कहाँ से आ रहा है, ट्रेंड्स इन पीपल्स इनकम, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एन एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट द ग्रोथ, कहाँ से लोग कमा रहे हैं और कहाँ पे लगा रहे हैं। अगर सिंपल सा वर्ड में बोला जाए कि कहाँ से कमा रहे हो भाई और कहाँ लगा रहे हो,
इससे भी हम इकोनॉमी को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि लोग अगर आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कमा रहे हो, या फिर लोग आजकल और भी बहुत सारे बिजनेसेस आ गए हैं वहाँ पे पैसा लगा के, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा के कमा रहे हो, छोटे बिजनेसेस खोल के लगा रहे हो, मतलब कमा रहे हो, तो कहाँ से कमा रहे हो? जैसे सपोज करो एक आदमी अपनी एक छोटी सी दुकान खोलता है और उसको चलाता है और अच्छी खासी इनकम हो जाती है उसकी, तो वो कहाँ पर खर्चा करेगा? पहला चीज़ वो अपना घर खरीदेगा, अगर उसके पास घर नहीं है तो उस सेक्टर में ग्रोथ होगा नहीं। फिर घर खरीद लेगा तो शायद होटल में खाने भी जाए तो होटल वाले सेक्टर में ग्रोथ होगा। शायद वो ऑनलाइन पेमेंट करे तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वाली जो कंपनीज है वहाँ पर DTH रिचार्ज करे हो, तो कमाई और एक्सपेंडिचर का बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है। अब वही सैलरी वाला आदमी, तो उसके डायरेक्ट बैंक में पैसा आएगा तो उसको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी, तो क्रेडिट कार्ड वाले आप उसको परेशान करके रख देंगे, भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, तो उसको क्रेडिट कार्ड वाले को बिजनेस मिलेगा। तो हर आदमी का ट्रेंड कैसा है, जैसे इंडिया में ज़्यादातर इनकम फार्म इनकम है, बिजनेसेस से इनकम बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है फिर भी बिजनेस से है, सर्विस सेक्टर है, तो मतलब अपनी इकोनॉमी का मिक्स कैसा है, लोगों का खर्चा करने का ट्रेंड कैसा है। अभी एक स्टडी आई थी, उस स्टडी में ये बोला गया था कि लोग आज सब्सक्रिप्शन लेने को तैयार है, जैसे पहले सब्सक्रिप्शन नहीं लिया करते, जैसे नेटफ्लिक्स का, अमेज़न प्राइम का, G5 का, ऐसे जो सब्सक्रिप्शन है आज लोग रेडी टू पे हैं, आप मतलब पैसा दे के वो चीज़ें देखने को तैयार है। पहले इंडिया में क्या था कि सारी चीज़ें फ्री चाहिए थी, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ट्रेंड बदला है कि लोग पेमेंट करके आपका सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे कि आज नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, तो लोग पेमेंट कर रहे हैं, प्राइम मेंबर बन रहे हैं और सो ऑन। तो आप समझ रहे हो कितना डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, अभी सारा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा आपका। फिर बात आती कंजम्पशन अफेक्ट्स कॉरपोरेट प्रॉफिट, बिल्कुल क्या आप कंज्यूम करते हो, डिविडेंड्स एंड शेयर प्राइसेस इन द मार्केट। सिंपल सा है कि अगर हमारा जो कस्टमर है, एंड यूज़र है, इंडियन पीपल है, वो कहाँ पे पैसा लगा रहे हो, उससे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। जो कंजम्पशन है वो हमारे कॉरपोरेट, जो है हमारे कॉरपोरेट के भाइयों और बंधुओं, उनको इफ़ेक्ट तो करते ही हैं, डिविडेंड्स भी इफ़ेक्ट हो गई क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सारा को रिलेटेड है ना। अगर प्रॉफिट बढ़ा तो डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ा तो शेयर प्राइजेस बढ़ेंगे, सो सिंपल है। जैसे कि इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, तो अच्छा इनका प्रॉफिट आया था, अभी क्वार्टर का रिजल्ट अच्छे आए थे, तो क्या होगा उनका, उनका शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा और क्या। बट वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन होती है, अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएगा तो ही ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस। सम ऑफ द इकोनॉमी वाइड फैक्टर्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। अगला टॉपिक क्या होगा, जैसे कि हमने इकोनॉमिक एनालिसिस अभी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे इसमें, हम इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। क्या क्या फैक्टर्स हैं एक इकोनॉमिक एनालिसिस में, मतलब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सिंपल सी क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ दिए हुए हैं, हम उन पे बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे, करना भी चाहिए हमें, है कि नहीं। अब क्या क्या दिए हुए हैं एक एक करके देखते हैं, सारे नहीं दिए हुए बट सम ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ ना, सम ऑफ द इकोनॉमिक वाइड फैक्टर्स आर डिस्कस्ड अंडर। पहला है ग्रोथ रेट, दूसरा है नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन्फ्लेशन एंड मॉनसून, चार चीज़ें हैं। पहला अगर आपको कहा जाए तो सिंपली इट इज़ नथिंग बट GDP। क्या क्या फैक्टर्स हो गए, पहला है GDP, दूसरा क्या हो गया, ये बात कर रहा है ग्रोथ इन इंडस्ट्री के बारे में, और तीसरा क्या है, इन्फ्लेशन, फिर है मॉनसून।
ये है इन्फ्लेशन, और चौथा है मॉनसून। ये चार फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस को। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट अभी हम लोग बात करेंगे इन चार के बारे में। चलिए एक ही करके देखते हैं। अब ये अफेक्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस को, मतलब इनके ऊपर कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस डिपेंड करेगी। ग्रोथ रेट बढ़ेगा घटेगा तो उसके हिसाब से होगा। तो अगर हम पहले फैक्टर्स की बात करें, पहला फैक्टर हमारा क्या है? पहला फैक्टर बोलता है ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मेजर्स। हम चार फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस। पहला है जीडीपी, दूसरा है दूसरा है ग्रोथ रेट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इन्फ्लेशन एंड मॉनसून। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि जब हम इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे तो इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है, या फिर इन्हीं से मोस्टली हम अपना एनालिसिस करते हैं। जैसे कि जीडीपी की बात होती है, ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जीडीपी में कितना ग्रोथ है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें कितना ग्रोथ है? अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या लिखता है, आगे पढ़ते हैं। फॉर मोस्ट पर्पसेस व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल ग्रोथ रेट कोटेड बाय द जीडीपी एंड द रियल ग्रोथ आफ्टर टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाता है कि 6% से 7% से ग्रो कर रही है हमारी इकॉनमी, तो क्या रियल में हमारी इकॉनमी उतनी तेज़ी से ग्रो कर रही होती है या नहीं होती है, वो एक बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारी इकॉनमी 7% से ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 40% के लोएस्ट पे है। तो ये दो चीज़ें कैसे मान ली जाए, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि अगर हमारी जीडीपी 7% से ग्रो कर रही है तो हमारा देश में जो एम्प्लॉयमेंट हो 40 ईयर्स के लोवेस्ट, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट इतना लो क्यों है? तो रियल ग्रोथ में क्या वो हो पाता है या नहीं आफ्टर टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, ये कहने का मतलब। द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द इकॉनमी वुड बी अ पॉइंटर टू प्रोस्पेक्ट फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देयर फोर to return the investors can expect from investment in shares। जो हमारी estimated growth होती है economy में, वो एक pointer की तरह काम कर सकता है to prospects the industrial sector। जैसे कोई industrial sector है में पैसा लगाता है तो वो मानेगा कि अगर मैं कहीं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा जो मनी है वो एटलीस्ट जीडीपी के हिसाब से तो ग्रो करेगा ही। जैसे हमारे देश की इकॉनमी 7% से ग्रो कर रही है तो एटलीस्ट उतना से तो ग्रो करेगा ही, और उतना इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है। तो ठीक है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या मतलब हुआ कि अब ये फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करेगा इकोनॉमिक एनालिसिस को। जैसे कि मैं सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इकोनॉमिक एनालिसिस भी करूँगा अपना। जैसे कि हमारा ब्रॉडर टॉपिक क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस, कि हमारा कौन सा शेयर खरीदना है भाई, रखना कौन सा और बेचना कौन सा है। तो उसमें मैं अपना फेयर वैल्यू निकाल लिया, फिर उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस में एक फैक्टर है जीडीपी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मैं जीडीपी से थोड़ा सा तो ज़्यादा कमाऊँ, तो जिस भी शेयर में मैं पैसा लगाऊँगा तो ये देखूँगा क्या वो ग्रो कर रहा है या ग्रो किया है एटलीस्ट 7% या फिर एज पर द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशन। नाउ हमारा दूसरा फैक्टर्स आता है ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसा ग्रोथ है वो भी एक फैक्टर है। आइए देखते हैं। दिस कैन बी फर्दर ब्रोकन इनटू ग्रोथ रेट ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कहने का मतलब है, सिंपल अगर बोला इसमें कि और डीप डाउन जाओ, मतलब थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाके बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है और एक ग्रुप में क्या ग्रोथ है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या ग्रोथ है।
फिर हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमारी मतलब हमें पैसा कैसे लगाना है या नहीं लगाना. द ग्रोथ रेट इन वेरियस इंडस्ट्रीज आर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट. और ग्रोथ रेट कैसे डिसाइड की जाती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सपोज करो स्टील की इंडस्ट्री है, स्टील का डिमांड जब बढ़ेगा, जो रॉड बनाता है, सीमेंट जो बनाता है, सीमेंट इंडस्ट्री है, अगर घर ज़्यादा बनेगा तो सीमेंट का ज़्यादा खपत होगा. तो कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है. लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, घर ज़्यादा बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. तो हम उस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री भी देखते हैं. जैसे कि मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर का ग्रोथ देखूंगा कि क्या ग्रोथ है आने वाले समय में. अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ किसी हाउसिंग कंपनी में, तो मैं ये ज़रूर देखूंगा कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है. मैंने देश का देख लिया, मैं इकोनॉमिक एनालिसिस में देश का मैंने ग्रोथ रेट देख लिया, उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया 7%, मतलब मेरा अपना एस्टिमेटेड क्या होगा, रियल क्या होगा, कितना मेरे को एक्सपेक्ट करना है. वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी ध्यान में रखेंगे कि जब भी इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी चेक करेंगे कि उसमें क्या ग्रोथ है. और वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड के हिसाब से. अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो वो वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी. फिर बात आती है इन्फ्लेशन की. थर्ड फैक्ट, इन्फ्लेशन इज़ अ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एदर होलसेल और रिटेल. दो चीज़ों में आपको न्यूज़ में हमेशा आप पढ़ते होगे कि होलसेल इन्फ्लेशन अभी बहुत डाउन हो गया, रिटेल इन्फ्लेशन डाउन है या फिर अप है. तो दो पार्ट में ये मेज़र होती है. द डिमांड इन सम इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली द कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय द इन्फ्लेशन रेट. जो डिमांड है कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है. जैसे कि प्याज का दाम बढ़ जाएगा जब अगर हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक बार इन्फ्लेशन हमारा डबल डिजिट क्रॉस किया था, डबल डिजिट तक पहुंच गया था. तो प्याज, दाल, चीनी, क्या हर चीज़ महंगा हो गया था. तो कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो एंड कंज्यूमर है उसको जो चीज़ें खरीदनी रहती है उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं प्राइसेस इन्फ्लेशन रेट्स को के वजह से. देयरफॉर फर्म्स इन दीज इंडस्ट्रीज मेक कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ अबाउट इन्फ्लेशन रेट्स लाइकली टू प्रिवेल इन द नियर फ्यूचर, सो एज टू फाइन ट्यून देयर प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन पॉलिसीज टू द एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स. अब ये क्या, ये कंटिन्यूअस असेसमेंट करती हैं कंपनियाँ किस लिए? प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन पॉलिसीज के हिसाब से, मतलब अपना सेट करने के लिए. जैसे कि मेरा प्राइसिंग क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो मैं अपनी प्रॉफिट ज़्यादा रखूँ या फिर सेल वॉल्यूम पे फोकस करूँ, प्रॉफिट मार्जिन कम रख के ज़्यादा माल बेचूँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरा कैसा होना चाहिए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोलूँ या नहीं खोलूँ, प्रमोशन में ज़्यादा पैसा लगाऊँ या नहीं लगाऊँ. तो हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस में इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है जिससे हमारी इकोनॉमिक बजट जो होती कंज्यूमर का, जो कि प्रोडक्ट खरीदने और नहीं खरीदने का डिसीज़न वही लेता है. इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, प्रमोशन भी कम होगा. तो इन्फ्लेशन के वजह से, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसके वजह से हमारी इकॉनमी में बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी GDP उतनी ग्रो नहीं करेगी जितनी ग्रो करनी चाहिए. तो ये भी वन ऑफ दोज फैक्टर. Now next is monsoon. Because of the strong forward and backward linkages, monsoon is of great concern to investors in the stock market too. भाई गजब का ये पॉइंट है. दो लाइन इसमें लिखी हुई, strong backward and forward linkages. कहीं न कहीं हर चीज़ हमारे यहाँ monsoon से linked रहती है. Consumer products ले लो, जो भी सामान हम लोग फार्मर्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, आज हमारा आई गेस 70-80% हमारा जो फार्मिंग है आज इंडिया में वो मॉनसून पर डिपेंड रहता है. अगर मॉनसून अच्छा नहीं आएगा तो माल नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी,
ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्राइसिंग ऊपर जाएगी, लोगों का डिमांड तो कम होगा नहीं, लोग चावल दाल गेहूं आटा आई मीन सो एंड सो ऑन खाना तो बंद नहीं कर देंगे, उतना ही खाएंगे, इनटेक तो उतना ही रहेगा, तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन कम करेगा आदमी, अगर उगाएगा कम, कल्टिवेट कम करेगा, तो क्या होगा उसके वजह से, उसके यहाँ कम पैसे आएंगे, कम पैसे आएंगे तो कम एक्सपेंसेस करेगा, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, कितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं FMCGs की वो डिपेंड करती हैं, जैसे कि आशीर्वाद आटा हो गया, तो आशीर्वाद आटा को गेहूं चाहिए, गेहूं अगर कम प्रोड्यूस हुआ प्राइस ऊपर चली जाएगी तो उसके शेयर क्या होंगे, भाई महंगे हैं तो फिर वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे सेक्टर हैं जिसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें इन चारों चीज़ों को, अगर समराइज़ करें तो नोट्स में चलते हैं एक बार। तो GDP पहला पॉइंट है, GDP ऊपर नीचे होगा तो उससे हमारी इकॉनमी, GDP का जो ग्रोथ रेट दिखाया जाता है और जो रियल रहता है उसमें कभी कभी फ़र्क होता है, तो उसके वजह से हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो दिखाया जा रहा है क्या वो रियल में है भी या नहीं है, और उतना जो कंज्यूमर है वो एक्सपेक्ट करता है रिटर्न के लिए कि मेरा एटलीस्ट GDP के इतना तो रिटर्न आएगा। सिर्फ हम नेशनल इनकम को ना देखते हुए, जैसे मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं तो सिर्फ GDP को देख के, जैसे मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूं तो मैं पैसा GDP को सिर्फ देख के नहीं लगाऊंगा कि आपका देश ग्रो कर रहा है तो सारा चीज़ें ग्रो करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट कि ग्रोथ इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ GDP का ग्रोथ नहीं, एक नेशन का ग्रोथ नहीं, उसमें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है। फिर बात आती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो मैं क्यों पैसा लगाऊं, जिम्बाब्वे में क्यों पैसा लगाऊं, पाकिस्तान में क्यों पैसा लगाऊं मैं, भाई वहाँ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा है, कोई कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है तो क्यों पैसा लगाऊं। मानसून अगर अच्छा आया है, अगर बारिश अच्छी हुई है तो मैं पैसा लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं, अगर स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया। तो ये समरी रही फैक्टर्स के बारे में। फिर हमारा अगला पॉइंट आएगा जो होगा टेक्निक्स, आई गेस टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस, क्या क्या टेक्निक्स यूज्ड होंगी इकोनॉमिक एनालिसिस में, तो उसके ऊपर बात करते हैं। पहले यहाँ देखते हैं हमने क्या पढ़ा इकोनॉमिक एनालिसिस में, फैक्टर्स पढ़ लिए, अब बात करेंगे अपने टेक्निक्स के बारे में। तो एक बार लिख लें, टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, क्या टेक्निक यूज होगी, हमारे चैप्टर में दिया हुआ है क्या क्या टेक्निक्स हैं। पहला है एंटीसिपेटरी सर्वे, दूसरा है बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच, तीसरा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। तीन अप्रोचेस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। पहला है एंटीसिपेटरी सर्वे, एंटीसिपेटरी सर्वे, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं क्या बोलता है एंटीसिपेटरी सर्वे। एकदम आराम से चिल होके पढ़ना है अपने, ज़्यादा टेंशन नहीं है, पढ़ना है बस, बस इतना समझ लो कि पढ़ के रहेंगे और पढ़ना है तो पढ़ना है। वक्त का तकाजा है लहरों से होके जाना है, अभी तो नापी है मुट्ठी व जमीन, नापना आसमां अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पहले मैं बोला करता था, अभी नहीं बोलता। चलिए देखते हैं कि करके टेक्निक्स यूज इन इकोनॉमिक एनालिसिस, और क्या लग रहा है इसका मतलब क्या होगा, डिटेल मतलब एक एक चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। मेरा डिटेल का मतलब आई होप आपको पता हो, ये कौन है वैसे पता नहीं आप और हम। टेक्निक्स यूज इन इकोनॉमिक एनालिसिस, टेक्निक्स क्या क्या हैं, टेक्निक्स यूज्ड मतलब
क्या टेक्निक को यूज़ करके जैसे कवर ड्राइव खेला जाता है, स्क्वायर कट, पुल कट और स्ट्रेट ड्राइव, ठीक है आजकल तो बहुत सारे और भी कट पुल चलते हैं, ठीक है तो क्या मेथड है, क्या टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं अपने इकोनॉमिक एनालिसिस की रिजल्ट तक पहुंचने तक, हाउ वी रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी मेज़र इकोनॉमिक एनालिसिस, व्हाट आर द टेक्निक्स बाय विच वी मेज़र, ठीक है किन किन टेक्निक्स को यूज़ करके, टेक्निक्स क्या है ये भी आपका सवाल वजीब है कि भाई टेक्निक क्या होता है। ये एक सिस्टम है इन विच वी प्रोसेस सम आवर आइडियाज़ टू गेट अ पर्टिकुलर रिजल्ट, सिंपल, ठीक है। अब जैसे कि कॉपी बुक स्टाइल में स्ट्रेट ड्राइव खेलना है तो सर नीचे, बॉल बैट के नीचे, सर एकदम सामने और हाथ और स्ट्रेट वो सब सीधा होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो वो एक टेक्निक हो गई जो यूज़ होती है कवर ड्राइव में, लेकिन इकोनॉमिक एनालिसिस में कौन सा टेक्निक यूज़ होगा, वी नीड टू फाइंड इट आउट। हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है इसके बारे में, तो पहले वो देखते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस यूज्ड टू फोरकास्ट नेशनल इनकम, इकोनॉमिक एनालिसिस यूज होता है फोरकास्ट करने में हमारा नेशनल फ्यूचर, नेशनल इनकम क्या है, आने वाले समय में हमारे देश की इनकम क्या होगी। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट 2024 का एक विज़न लेके चल रही है कि हमारी देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाना है, पता नहीं कैसे बनाना है वो, मतलब वो अभी भी डिसाइड करना बाकी है, मतलब रोड मैप तैयार हो गया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बन जाए। 10 ट्रिलियन हो जाएगी तो हम लोग डेवलप्ड नेशन में आ जाएंगे, अगर आपको ये पता ना हो तो बता दें, अभी बहुत दूरी है वैसे। With its various components that have a bearing on the concerned industry and the company in particular. Economic analysis का use क्या है, पहले line में ये बोला, techniques use के बारे में अभी बात नहीं हो रही है, but ये बताया जा रहा है कि economic analysis किस लिए use होता है। Economic analysis का use नेशनल इनकम को फोरकास्ट करने में, मतलब फ्यूचर में हमारी नेशनल इनकम कैसी होने वाली है उसके बारे में बताया जाता है। With its various components, कैसे, I mean forecast national income with its various components that have a bearing on the concerned industry and the companies, और उसके various components को साथ में रख के भी forecast किया, सिर्फ एक national income नहीं उसके various components को भी, in particular concerned industry और company in particular। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम एज इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ रेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हैज बीन रिगार्डेड एज द फोरकास्टिंग टूल फॉर एनालाइजिंग द ओवरऑल इकोनॉमी अलॉन्ग विद द वेरियस कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। इस कहानी का क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं किस लिए, अपना नेशनल इनकम मेज़र करने के लिए, जो हमारा GNP आएगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा GNP की वजह से, मतलब हमारे देश की इनकम ऊपर है या नीचे। अब भाई कितने लोग का सवाल ये वाजिब होगा कि GNP क्या होता है, अगर मैं बोलूँ तो, अगर GNP इज़ एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट इन अ गिवन पीरियड बाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन owned by country's resident, समझे। GNP is an estimate of total value of the final products and services turned in out, total value of the final product and services turned out by given period by the names of the production owned by, भाई हमारे देश में जो production हो रहा है, जो services दी जा रही है उससे जो भी income generate हो रही है, ठीक है, जो value generate हो रही है उसको GNP बोलेंगे। प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी हमारे देश में जनरेट हो रही है, जैसे कि कोई आदमी सर्विसेज दे रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, कोई आदमी प्रोडक्शन कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये होता है सम टोटल ऑफ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट,
government expenditure, net export and any income earned by resident from overseas investment minus income earned within the domestic economy. भाई इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो अपने को करना नहीं है, मैंने बस एक ओवरव्यू दिया कि भाई मोटा मोटी क्या है देश में रहने वालों का जो भी प्रोडक्शन और सर्विसेज होता है उसका वैल्यू है, और उसका वैल्यू का मतलब हमारा नेशनल इनकम है, हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो जो काम कर रहे हैं उससे हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जीएनपी से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी देश की इनकम क्या है क्या नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम एज इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ रेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ फोरकास्टिंग टूल। जैसे कि जीएनपी अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमारी इकॉनमी का क्या ग्रोथ है, कैसे ग्रो करेगी फ्यूचर में, एंड सो एंड सो ऑन। तो इकोनॉमिक एनालिसिस हमारे नेशनल इनकम को फोरकास्ट करने के लिए बताई जाती है कि जीएनपी की मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा नेशनल इनकम क्या है और उसमें ग्रोथ क्या है। ये अभी तक पहला का मतलब था। अब आता है मेन पॉइंट कि क्या टेक्निक्स यूज होती हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। पहला है एंटीसिपेटरी सर्वे। सर्वे से आपको याद आया हो कि अभी इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस जो हुए उसमें बहुत सारे सर्वेज हुए हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का पोल सर्वे ऑलमोस्ट सही था, एक्सेप्ट उड़ीसा एंड बंगाल, कुछ चीज़ों उड़ीसा में शायद उनका सर्वे गलत हो गया था। एंड सो दैट व्हाट आई वांट टू से कि सर्वेज क्या होते हैं, सर्वेज आर नथिंग बट ये लोगों के पास पहुंच के उनसे जानकारी ली जाती है, उनसे जानकारी ली जाती कि उस क्या मतलब वो क्या समझते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, समझ लो कि आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर बोला जाए कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक कंट्री में हो रही है तो किसके द्वारा कराई जाएगी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, तो वहाँ पे जाके उनसे सर्वे लिया जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए क्या हमारा इंस्टीट्यूट बताता है इसके बारे में वो भी जान लेते हैं अपने। दे हेल्प इन्वेस्टर्स टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकॉनमी। क्या लाइन लिखी हुई है, फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकॉनमी। एक सिंपल सी चीज़ समझिए कि हम एंटीसिपेट कर रहे हैं तो फ्यूचर के बारे में ही एंटीसिपेट करेंगे, ठीक है, पहली पॉइंट, और सर्वे करके एंटीसिपेट करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लोगों के फ्यूचर बिलीव्स को जान सकते हैं, उनका क्या बिलीफ है, उनका क्या इंटेंशन है, फ्यूचर का क्या बजट है, कहाँ कहाँ वो पैसा लगाएंगे, हम ये सर्वे से एंटिसिपेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं, पहला एंटिसिपेटरी सर्वे, जिससे हम यूज़ करके लोगों देखो क्या जीडीपी क्या है बेसिकली, कि हमारे देश में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे पता करेंगे, ग्राउंड रियलिटी चेक करके, बात करके लोगों से कि भाई आपको क्या लगता है आप कितना पैसा लगाओगे इस चीज़ में, कितना प्रॉफिट कमाओगे, कितना प्रोड्यूस करोगे, तो वो हम सर्वेस के माध्यम से कंडक्ट करते हैं। ये बेसिकली ये हम फ्यूचर इंटेंशंस को जानते हैं, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जैसे क्या क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होने वाली हैं तो उनसे हम जाके बात करेंगे एक्सपर्ट से कि बताइए कि भाई हमारे देश में क्या क्या कंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं, क्या क्या हमारे देश में कैपिटल इंक्रीज होने वाला है, एक्सपेंडिचर ऑन द प्लांट एंड मशीनरीज, लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल है, ऑल हैविंग अ डेफिनेट बेयरिंग ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इनका बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, ऑल्सो फ्यूचर स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर टेकन इन टू अकाउंट। कहने का मतलब शुद्ध मतलब ये है कि हम लोगों से जाके उनका इंटेंशन पूछते हैं कि आप भविष्य में कौन सा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, क्या प्लांट एंड मशीनरी, क्या इन्वेंट्री रखना चाहते हैं और कहाँ पैसा खर्चा करना चाहते हैं, कहाँ एंटिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगाओगे या रख लोगे पैसा, या फिर कमाओगे कितना, कितना कमाओगे कितना,
अब ये होता कैसे? जैसे कि पर्सनल पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो जाएगा, आप लोगों से मिलोगे, उनसे उनका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करोगे, कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट में लगाना चाहते हैं, किस इंडस्ट्री में लगाना चाहते हैं, वो आप उनसे पूछोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे। और ये तो पर्सन टू पर्सन हो गया। और डिटेल दूसरा टेक्निक ये भी हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे आपको जाना है। जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बारे में पूछना है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपको कौन बताएगा? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द हाउसिंग प्रोग्राम्स जैसे दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ क्या है। तो आप पहले क्वेश्चन तैयार करिए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आंसर तैयार करिए और उनके पास जाइए और उनसे बोलिए कि भर दीजिए, न तो फिर आप उनसे सवाल पूछिए और आप खुद से भर लीजिए। वो पूरा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा कि कहाँ कितना वो लोग कंस्ट्रक्शन करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। तो ये फ्यूचर को हम लोग एंटिसिपेट कर लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के बेसिस पे। बट क्या ये एक्यूरेट होगा? क्या ये एनालिसिस जो हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस का टेक्निक है, क्या ये एक्यूरेट है? बट आई थिंक वही देखना है कि ये एक्यूरेट है या नहीं। मतलब ये स्टेटिस्टिकल सैंपल्स पे बेस्ड होते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। इन स्पाइट ऑफ द वैल्यूएबल इनपुट्स अवेलेबल थ्रू दिस मीडियम, इट हैज़ सर्टेन ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन। होनी ही थी लिमिटेशंस। देखो भाई, फ्यूचर एंटिसिपेट करोगे तो कोई ना कोई लिमिटेशंस तो आएगी। पहला क्या है? सर्वे रिजल्ट्स डू नॉट गारंटी दैट इंटेंशन सर्वेड वुड मटेरियलाइज्ड। आप एक सैम्पल साइज लेते हो, ना कि पूरे देश का आप सर्वे कर सकते हो। आप एक पर्टिकुलर जगह पे जाके सर्वे करोगे, एक पर्टिकुलर इंसान से जाके बात करोगे, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में जाके बात करोगे उनसे, लेकिन आप ओवरऑल का एनालाइज करते हो, आप ओवरऑल इकोनॉमी पे प्रेडिक्शन देते हो, तो दैट डज नॉट गारंटी कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, इजंट इट? कैसे होगा भाई रिजल्ट में कन्वर्ट? आई मीन इट कैन बी बट इट कैन नॉट बी, मोस्ट ऑफ द चांसेस इज मे नॉट टैली। फिर बात आती है कि they are not regarded as the forecast per se, as there can be a consensus approach by the investor for exercising his opinion. देखो, लोग बोलने को कुछ और बोलते हैं, करने को कुछ और करते हैं। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। कहते हैं ना, भाई मैं अगर बिल्डर हूँ, बोलूँगा मैं फ्यूचर में आई गेस 100 बिल्डिंग बना दूंगा, 365 दिन 100 बिल्डिंग। आप भी सोचो कि भाई अकेला आदमी कैसे करेगा, लेकिन बोल रहा है भाई, बोल रहा है बनाएगा। आई एम जस्ट सेइंग, पता चला 25 ही बनाया, तो भाई बोलने और करने में फ़र्क होता है ना। तो देर आर सम ड्रॉबैक्स इसमें एंटिसिपेटरी सर्वे में, जैसे कि बहुत सारे इलेक्शन पोल्स फेल भी हुए, नहीं प्रिडिक्ट कर पाए सही। तो वैसे ही कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड फॉर मेक द टेक्निक्स पॉपुलर। आप ये समझ लीजिए कि आप महीने में हर बार चेक करते रहिए कि क्या वो बोला है 100 बिल्डिंग बनाने के लिए, तो पर मंथ डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए, क्या पर मंथ वो उतना बना पा रहा है या नहीं बना रहा है, फ्यूचर प्लान क्या उसका, तो आप उसको रिवाइज भी करते रह सकते हैं। तो ये एक टेक्निक्स है एंटिसिपेटरी सर्वे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, पॉपुलर भी है। फिर बात आती है बैरोमीटर और सिंपली से इंडिकेटर अप्रोच। बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच, वेरियस इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ इकोनॉमी सेल परफॉर्म इन द फ्यूचर। इसमें बहुत सारे अप्रोचेस यूज होते हैं, वेरियस इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज होते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारी इकोनॉमी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी। अब उसमें कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए, मतलब इंडिकेटर्स मतलब क्या हो, वो दर्शाएंगे, वो दे इंडिकेट कि हमारी फ्यूचर में इकॉनमी कैसी रहेगी, इकॉनमी सेल परफॉर्म इन द फ्यूचर, हमारा इकॉनमी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी। फाइंड आउट हाउ द इकॉनमी सेल परफॉर्म इन द फ्यूचर, द इंडिकेटर्स हैव बीन क्लासिफाइड एज अंडर लीडिंग इंडिकेटर्स, रफली कोइंसिडेंशियल लैगिंग इंडिकेटर्स। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं
अब हर इंडिकेटर आपको ये मतलब इंडिकेट करेगा, ऐसा नहीं कि आपको बस बता ही देगा कि भाई हाँ ये सही है या ये गलत है, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। चलिए देखते हैं एक-एक करके कि भाई कौन कौन सा क्या क्या इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर्स, दे लीड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ देयर आउटकम्स, दे लीड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ देयर आउटकम, मतलब वो एक लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेस्ड हमेशा आउटकम आता है, ज़्यादातर उनके बेस्ड, जैसे कि मनी सप्लाई, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड स्किल्स, कितना मैन्युफैक्चर हो, कितना ट्रेड स्किल, मनी सप्लाई कैसा है इकॉनमी में, पैसा कितना आ रहा है, मनी सप्लाई कैसा है इकॉनमी में, तो एक लीडिंग इंडिकेटर, ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा आउटकम्स आएगा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप उसके ऊपर इंडिकेटर, जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर मनी सप्लाई एक लीडिंग इंडिकेटर है, ज़्यादा अगर पैसा आ रहा है तो आप तुरंत बता कर लोगे कि भाई हाँ हमारी इकॉनमी तकड़ी है। वैसे अभी बहुत सारे FDIs आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, तो हमारी इकॉनमी अभी स्ट्रांग है, हमारी वैल्यू डॉलर के मुकाबले अभी स्ट्रांग है, ठीक है। दे रिलेट टू द टाइम सीरीज डेटा ऑफ वेरिएबल्स दैट रीच हाई लो पॉइंट्स इन एडवांस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दे रिलेट टू टाइम सीरीज डेटा ऑफ वेरिएबल्स दैट रीच हाई लो पॉइंट्स इन एडवांस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये हाई और लो रीच होती हैं, मतलब ये लीडिंग इंडिकेटर है, आपको पीक तक भी रिजल्ट दे सकता है, अगर अच्छा मनी सप्लाई है तो आपकी इकॉनमी एकदम टॉप क्लास, अगर लो मनी सप्लाई है, पाकिस्तान में कोई पैसा नहीं लगा रहा, तो आपको हाई और लो दोनों पॉइंट आपके इकोनॉमी की दिखा सकती है, ये इंडिकेटर्स आप जज कर पाओगे, ठीक है। देयर इज देयर पीक्स एंड थ्रो एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम इन द इकॉनमी, रफली कोइंसिडेंशियल। अब ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ ट्रेड इन्वेंट्रीज टू सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्टॉक प्राइसेस, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इम्प्लॉयज ऑन नॉन, कहने का मतलब जैसे कि अभी आया एक एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का एवरेज ड्यूरेशन क्या है, मतलब ज़्यादा कितना देर तक लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वो एक इंडिकेटर है, रफली कोइंसिडेंशियल, मतलब सही भी हो सकता है, मतलब रफली कोइंसिडेंशियल, ऐसा नहीं कि वो हमेशा आपको सही रिजल्ट बताए, कि कभी कभी वो सही इंडिकेट करता है। फिर बात आती है कि देर आर टाइम सीरीज डेटा ऑफ वेरिएबल्स दैट लैग बिहाइंड इन देयर कॉन्सिक्वेंसेज वाइस वर्स ऑफ द इकॉनमी, दे रीच देयर टर्निंग पॉइंट्स आफ्टर द इकॉनमी हैज़ रीच इट्स ओन ऑलरेडी, इकॉनमी पहुंच जाती है तब वे अपने टर्निंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर पेरोल्स, हमारे देश में नॉन एग्रीकल्चर पेरोल कैसे, ये एक इंडिकेटर है कि एग्रीकल्चर के अलावा पेरोल क्या होता है, जैसे तो ये इंडिकेट करता है हमारी इकोनॉमिक का क्या हालात है, लेकिन ये एक लैगिंग इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि ये जो रिज़ल्ट हमें बताना चाहता है वो इकॉनमी जब रीच कर जाती है तब हम वो एनालाइज़ कर पाते हैं। जैसे लीडिंग इंडिकेटर में हम पहले से ही बता पाएंगे कि भाई क्या होने वाला है हमारी इकॉनमी में कैसा है, रफली कोइंसिडेंशियल में भी हम लोग थोड़ा बहुत बता देंगे कि एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो हमारी इकॉनमी में सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, लेकिन लैगिंग इंडिकेटर में क्या है कि भाई देखो जब वो इकॉनमी रिजल्ट देती तब ये इंडिकेट करता है, ठीक है। ऑल दीज अप्रोचेस सजेस्ट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बट नथिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, एक चेंज दर्शाता है, ऐसा नहीं कि एकदम सही बता, बस एक चेंज सजेस्ट डायरेक्शन ऑफ द चेंज, मतलब किस तरफ इकॉनमी जा रही है, बट नथिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स होलनेस, मतलब पूरे उसके बारे में नहीं बताता, बट थोड़ा सा ये डायरेक्शन बस बता सकता है कि भाई किस तरीके से आपकी इकॉनमी होने वाली है इन फ्यूचर, नथिंग मोर दैन दैट।
फिर बात आती है द वेरियस मेजर्स ऑब्टेन फ्रॉम सच इंडिकेटर्स मे गिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी. हर इंडिकेटर से आपको कॉन्फ्लिक्टिंग भी लग सकता है कि भाई ये कुछ और बोल रहा है वो कुछ और बोल रहा है, तो आपको वो भी हो सकता है. टू अवॉइड दिस लिमिटेशन यूज ऑफ द डिफ्यूजन कॉम्प्लेक्स इंडेक्स इज सजेस्टेड वेयर बाई कंबाइनिंग सेवरल इंडिकेटर्स इनटू वन इंडिकेटर्स टू मेजर द स्ट्रेंथ वीकनेस इन द मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिकेटर्स. कंप्यूटेशन ऑफ डिफ्यूजन इंडिसेस इज नो डाउट्स डिफिकल्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट. अब कहने का मतलब है कि बहुत सारी आपको इंडिकेटर मिलेंगे, अब कंबाइंड सबको करो एक साथ. हाँ थोड़ा टफ है, लेकिन सबको कंबाइन करो और एक कंक्लूजन निकालो. जैसे कि पोल ऑफ पोल होता है, हम सर्वे की बात करें तो उसमें भी एक पोल ऑफ पोल होता है कि जैसे कि एनडीटीवी वाले लोग करते हैं पोल ऑफ पोल, सारे पोल वो सारा पोलस्टर पोल कर रहा है, एनडीटीवी सबके पोल को मिला के एक पोल ऑफ पोल करता है. तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप एक डायरेक्शन जैसे कि एक चेंज डायरेक्शन दिखा पाओगे. जैसे कि अभी इलेक्शन में क्या हुआ था कि सारे पोल्स पोल दिखा, पोल ऑफ पोल में 303 दिखाया था एनडीए को, बट 353 मिला, बट वहाँ से एक डायरेक्शन मिल गया था कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट आएगी, अपने खुद दम पे आएगी कि नहीं आएगी, दैट वाज द क्वेश्चन. बट देर वाज अ सजेशन, देर वाज अ डायरेक्शन विच वाज देयर, वो डायरेक्शन मिल गया था. जस्ट अब फिर बात करते हैं मनी सप्लाई इन द इकॉनमी ऑल्सो अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. जैसे मनी सप्लाई एक इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है, वो ये भी दर्शाता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे हैं हमारे इकॉनमी में. हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई इन द इकॉनमी अफेक्ट्स जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट करता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक प्राइसेस. रेट्स ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई मतलब पैसा जितना आ रहा था मार्केट में, अगर वो नहीं आ रहा है उसमें थोड़े से बदलाव कम बेसी हुए तो उससे कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक प्राइसेस सब इफेक्ट होते हैं. इंक्रीज इन मनी सप्लाई फ्यूल्स इन्फ्लेशन. हाँ, ज़्यादा पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. एज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज कंसिडर्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. क्या लाइन लिखी हुई है, एन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज कंसिडर्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, स्टॉक प्राइसेस गो अप ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड. हम ये मानते हैं इन्फ्लेशन जब ज़्यादा है तो स्टॉक में पैसा लगा दो, वो स्टॉक भी ग्रो करेगा. मेरा मार्केट में इन्फ्लेशन है तो है, तो स्टॉक भी ग्रो करेगा, समझ लो. जैसे मेरे को यहाँ पे ज़्यादा खर्चा करना पड़े लेकिन मैं यहाँ पे कम लगा के ज़्यादा कमा सकता हूँ. हेज करना मतलब कि कहीं का नुकसान कहीं से पूरा कर लेना, मतलब एक जगह मेरा नुकसान हो रहा है. एक सिंपल सा एग्जांपल, आज सपोज करो कि चावल दाल 100 रुपया केजी है, इन्फ्लेशन की वजह से वो 150 हो जाएगी, तो शेयर मार्केट में एक शेयर भी 100 रुपये का है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ 200 रुपया, तो 100 रुपया मैंने वहाँ पे लगा दिया, 100 रुपया का दाल खरीद लिया. अब 100 रुपया मेरे को दाल खरीदना है लेकिन है नहीं, तो 100 रुपया यहाँ लगाने से मेरा शेयर मार्केट का भी पैसा 150 हो गया, और ये 100 का दाल मैं खरीद नहीं सकता, तो 50 रुपया वहाँ से बेच के 150 में दाल खरीद लूँगा. तो मतलब मेरा 200 रुपया था लेकिन मैंने उसको हेज कर लिया तो मेरे को इम्पैक्ट नहीं पड़ा लॉस का, 50 का लॉस नहीं हुआ ना, मेरे को वहाँ से मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया. कहने का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन मार्केट में आता है तो स्टॉक मार्केट में भी इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, वो कंसिडर्ड होता है एज अ हेज, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट. हम पढ़ेंगे हेजिंग, अच्छे से पढ़ेंगे. हेजिंग मतलब एक जगह का नुकसान दूसरे जगह से पूरा करना, सिंपल, एकदम सिंपल शब्द में अगर बोला जाए तो. इंडिकेटर अप्रोच हो गया, एंटीसिपेटरी सर्वे हो गया, टाइम भी बहुत हो गया है कि नहीं. अब लास्ट अप्रोच है हमारे पास, और वो क्या है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच. इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच सिंपल सी बात करें तो ये एक मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशन है जिससे हम फ्यूचर के ट्रेंड को बताते हैं. आज मैथमेटिक्स और स्टेट्स के दम पे हम फ्यूचर्स को बताते हैं, और ये ज़्यादातर ट्रेंड इकोनॉमिक्स के द्वारा यूज़ होती है. इन दिस अप्रोच अ प्रिसाइज एंड क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड.
GNP model building or sectoral analysis used in practice through the use of the national accounting framework. These steps used are follows. पहले स्टेप्स देखते हैं फिर कंक्लूड करेंगे तो आपको इजी होगा. हाइपोथेसाइज टोटल इकोनॉमिक डिमांड बाय द मेजरिंग टोटल इनकम. हाइपोथेसिस करते हैं कि टोटल इकोनॉमिक डिमांड क्या होगी जेएनपी को मेज़र करके. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने अभी बात की कि क्या होता है फ्यूचर में क्या प्रोड्यूस होगा क्या सर्विसेज देने वाले हैं उसको ध्यान में रख के हम लोग हाइपोथेसिस लेते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड कैसी रहने वाली है. पहला स्टेप इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच में कि हम डिमांड को एनालाइज करेंगे हाइपोथेसिस करेंगे कि मतलब अज्यूम करेंगे कितना मतलब हो सकती है. बेस्ड ऑन ये बेस्ड होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन और चेंजेस इन इकोनॉमिक लेवल्स. कहने का मतलब है कि ये डिसीजन हमारा सिर्फ जेएनपी के ऊपर बेस्ड नहीं होगा. जेएनपी ठीक है जेएनपी लोगों ने बोला कि हम यहाँ यहाँ पैसा लगाएंगे तो आपको लगा कि हाँ डिमांड ऐसा होने वाला आपने हाइपोथेटिकल एक फिगर ले लिया लेकिन वो और भी बेस्ड होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रेट ऑफ इन्फ्लेशन और चेंजेस इन इकोनॉमिक लेवल्स के ऊपर भी. पहला कॉन्सेप्ट ये कि डिमांड को एनालाइज करो पॉलिटिकल सिनारियों को भी देखो मतलब जेएनपी के आधार पे अपने डिमांड को हाइपोथेटिकली ले लिया लेकिन उसका बेसिस और भी हो सकता है मतलब और भी बेसिक चीज़ें आपको देखनी है. बेस्ड ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड चेंजेस इन इकोनॉमिक लेवल. फिर दूसरा फोरकास्टिंग. पहला हाइपोथेसिस था भाई साहब ये रहा पहला हाइपोथेसिस फिर दूसरा होगा कलर मैंने बहुत वो ले लिया ना एक मिनट रुक जाइए भाई हाइपोथेसिस और एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग द जेएनपी बाय एस्टिमेटिंग लेबल्स ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स. फिर हम जेएनपी को फोरकास्ट करेंगे कि आने वाले समय में कैसा होगा. एस्टिमेटिंग लेबल्स ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स कैसे बहुत सारे लेबल ऑफ उसके कंपोनेंट्स को एस्टिमेट करेंगे जैसे कि कंजम्पशन कैसा होने वाला है एक्सपेंडिचर कैसा होगा ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कैसा होगा कितना लोग पैसा लगाएंगे गवर्नमेंट परचेसेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज नेट एक्सपोर्ट्स. हाइपोथेसिस की डिमांड को कितना डिमांड होने वाला है फोरकास्ट की अपना जीएनपी को उसके बाद हाइपोथेसिस और फोरकास्टिंग के बाद आफ्टर फोरकास्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द जीएनपी ऐड देम इनटू ऑब्टेन अ फोरकास्टेड जीएनपी. इसके कंपोनेंट्स के बाद अब उसको कंबाइन करके एक जीएनपी का फिगर ला दिए क्या होगा जीएनपी. कंपैरिजन इज मेड ऑफ टोटल जीएनपी थस अराइव एट विथ दैट एन इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसी. अब ये क्या बोल रहा है अब आती है मेन बात कि कंपैरिजन इज मेड ऑफ द टोटल जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हैज अराइव एट विथ दैट फॉर्म एन इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर द फोरकास्ट ऑफ द जीएनपी. एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जनरली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालती है और उसका फिर कंपैरिजन होता है एंड देन ओवरऑल फोरकास्ट इज टेस्टेड फॉर कंसिस्टेंसी. फिर जो उसका ओवरऑल फोरकास्ट है कि ऐसा होने वाला है या वैसा होने वाला है तो उसकी कंसिस्टेंसी भी टेस्ट की जाती है कि ये भाई सही है या गलत है. दिस इज़ कैरिड आउट फॉर इंश्योरिंग दैट बोथ द टोटल फोरकास्ट एंड कंपोनेंट वाइज फोरकास्ट फिट टुगेदर इन अ रीजनेबल मैनर. उसकी कंपोनेंट को भी हमने चेक किया और ओवरऑल चीज़ों को भी टेस्ट किया. ऐसा क्यों किया हमने ऐसा इसलिए किया कि कंपोनेंट तो सही है क्या टोटल सही है नहीं कंपोनेंट और टोटल दोनों को सही होना चाहिए. तो इकोनॉमिक एनालिसिस में जो हमारा टेक्निक्स था लास्ट वाला ये बहुत सारे एक्सपर्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक एनालिसिस तो ये इसी के ऊपर रहेगा. डिमांड को हाइपोथेसिस करेंगे टोटल इकोनॉमिक डिमांड बाय मेजरिंग टोटल इनकम जीएनपी उसको फोरकास्ट करेंगे उसके कंपोनेंट्स को जीएनपी के फिर उसको टोटल जीएनपी बनाएंगे फिर कंपैरिजन करेंगे एनालाइज करेंगे डीप. तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच क्या बोलता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच जीएनपी
के आधार पे आपको बताएगा जीएनपी। ये लोग ईच कंपोनेंट्स को पहले ईच कंपोनेंट्स ऑफ द जीएनपी मेज़र करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, फिर ओवरऑल जीएनपी मेज़र करते हैं। तो ये हो गए आपके तीन टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल एनालिसिस, उसके पहले हम लोग एक समरी देख लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो गया टेक्निक्स में, बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच। और तीसरा क्या था हमारा, बैरोमीटर इंडिकेटर अप्रोच हो गया, पहला हमारा है एंटीसिपेटरी सर्वे, और तीसरा हमारा है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच कंक्लूजन भी बताएंगे। थाम्बा एक टू थाम्बा कलर चेंज कर दे क्या, बैरोमीटर इंडिकेटर अप्रोच इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। अब थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। अभी हमने बात की इकोनॉमिक एनालिसिस की, फैक्टर्स पहले बात की हमने इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, फिर उसके फैक्टर्स के बारे में बात की क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको, जीडीपी अफेक्ट करता है उसको, पर्टिकुलर ग्रोथ पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैसा ग्रोथ है वो इफेक्ट करता है उस चीज़ को, इन्फ्लेशन हमारा कैसा है वो भी हमें इफेक्ट करता है जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस की, मॉनसून इफेक्ट करता है हमें, ठीक है, टेक्निक्स, उसके बाद फैक्टर्स और टेक्निक्स में, टेक्निक्स की जब बात करें तो टेक्निक्स में हमने क्या पढ़ा, टेक्निक्स में हमने पढ़ा एंटीसिपेटरी सर्वे, लोगों से पूछे, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से हमने पूछा क्या आपका क्या एक्सपेंडिचर होगा, कैसा आप कहाँ पैसा लगाओगे कहाँ नहीं लगाओगे, तो वो एक सर्वे का वो टेक्निक है जिससे हम इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर में तीन इंडिकेटर्स थे, एक लीडिंग था, एक कोइंसिडेंशियल था और एक था लैगिंग इंडिकेटर्स। तो तीनों इंडिकेटर्स थे, उनके दम पे हम बता उनके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं हमारी इकोनॉमी कैसी होगी। फिर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच, यहाँ पे हम जीएनपी के दम पे डिमांड को एस्टिमेट करते हैं, फिर जीएनपी की कंपोनेंट्स को एस्टिमेट करते हैं, टोटल जीएनपी निकालते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी कैसी है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा आपको पता ही है क्या होगा, होगा इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट द रेड बटन एंड सब्सक्राइब मी, और बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो काम ज़रूर करिए। और एक मैंने ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, अगर आपको ऑडियो पसंद आई हो और ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, एक बार और बोला था फिर से, बाय।